उज्जैन के उन्हें रोड पर ग्राम पंचायत सोडंग में स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर नर्स की मौजूदगी में ग्राम पंचायत परिसर में सैंपल जांच की गई ग्रामीण जनों की, ताकि उनके स्वास्थ्य की होने वाली बीमारी का पता लग सके और समय रहते उपचार हो सके, उसी को लेकर सैंपलिंग की गई है। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण जन पहुंचे और सैंपलिंग जांच करवाई अपने अपने स्वास्थ्य की, और उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देशन के बाद शहर के प्रमुख चौराहों पर प्रमुख बाजार क्षेत्र और ग्राम पंचायत में सैंपलिंग जांच की जा रही है। ये कौन सी ग्राम पंचायत है और किस प्रकार से उज्जैन जिलाधीश के निर्देश के बाद सैंपलिंग की जा रही है, जांच की जा रही है और किस प्रकार से टीकाकरण किया जा रहा है? ग्राम पंचायत सोडंग जो घटिया के अंतर्गत आती है, घटिया तहसील के अंतर्गत, आज हमारे यहाँ सैंपलिंग का कार्यक्रम चल रहा है जो पूर्ण रूप से हो भी जाएगी और आ भी रहे हैं लोग। और कल टीकाकरण था, टीकाकरण भी 200 वैक्सीन दी थी, पूरी तरह वैक्सीन लगी भी और लोग उत्साहित थे टीका लगाने के चक्कर। पहले एक भ्रांति बीच में आई थी कि टीके से कुछ हो जाएगा, मगर वो भ्रांति सभी ने मिलकर और शासन प्रशासन सभी ने मिलजुल कर, सभी का अधिकारी, पंचायत के मंत्री, सचिव, अपने पंचायत हॉस्पिटल की सिस्टर और नर्स सभी ने, ग्राम की आंगनवाड़ी की सहायिका सभी ने मिलजुल के गांव में लोगों को समझाया कि इससे टीके से आने वाले दिनों में आपको एक सुरक्षा कवच के रूप में कोविन वैक्सीन काम करेगी। सभी लोग जागरूक हुए और अब अच्छा जन समर्थन मिल रहा है। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।